निर्धन बना रिश्वतखोर, गरीब महिला से आवास के नाम पर लिए 20,000 रुपए। जनपद कन्नौज के तहसील तिरुआ विकास खंड हसरेन के ग्राम कर्री की पीड़ित पिंकी पत्नी सौरभ कुमार ने बताया कि प्रधान संजय ने हमसे 20,000 रुपए आवास के नाम पर लिए हैं और प्रधान ने उसी समय कहा कि अब मैं आपको आवास योजना का लाभ दिला पाऊंगा। कई वर्ष बीत जाने के बाद महिला ने कहा कि प्रधान जी अब तो आप मुझे आवास दिला दो। प्रधान ने अब साफ इनकार कर दिया। नाम क्या है आपका? पिंकी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि मैं आवास हमारे पास नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, प्रधान से भी कही पर वो तो आवास नहीं मिले और पैसे भी ले लिए, आवास नहीं दिया और शिकायत भी कई बार की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से लखनऊ तक जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और प्रधान भी है तो कुछ हमारी ना, हमें राशन दे रहा, हमारे 3 बच्चे हैं और पति हमारा नल बजाता है, वो भी 6 महीने हो गई बंद हो गई नल, तो हम तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम तो किसी लग नहीं रहे, उससे पैसे मांगते हैं तो वो पैसे भी नहीं देता। कितने पैसे दिए आपने? 20,000 रुपए दिए हैं, 5 रुपए परसेंट पे, हमें 4 रुपए पे मतलब 1 रुपए परसेंट छोड़ दिया उसने, तो ये बोला कि 4 रुपए परसेंट दे रहे हैं हम, तो हम तो ब्याज लगता है, हमारे बहुत पैसे हो गए हमारे, तो बताओ क्या करें, हम तो बड़े मुसीबत में हैं। जांच कोई आई है आपकी? जांच कोई नहीं आई है, बहुत हमने बहुत कुछ कोशिश की पर जांच नहीं आई है। हम तो बिल्कुल समझो पैदल हो गए, हम कहाँ जाए क्या जाएं? महिला ने प्रधान से रुपए लेने के लिए चौकी खड़नी और पुलिस अधीक्षक SDM को एप्लीकेशन दिया, फिर भी उस महिला का पैसा प्रधान ने नहीं दिया। फिर महिला ने सोचा आखिर अब मेरा पैसा कैसे निकले, तब उसने मीडिया का सहारा लिया। उसने मीडिया को बुलाकर कहा प्रधान अब मेरे पैसे नहीं दे रहा है और न ही आवाज दे रहा है, प्रधान ने मुझे मेरे रुपए देने से इनकार कर दिया है और प्रधान ने कहा तुझे मेरे खिलाफ जो करना हो कर जाकर, ना तुझे तेरे रुपए देंगे और ना ही आवाज देंगे। प्रधान को आपने पैसे दिए, उनका नाम क्या है? नाम है संजय राठौर। संजय राठौर जब कहा तो जूते बाजे। और रहने वाले कहाँ के हैं वो? यही कर्री के हैं, ग्राम कर्री कोट सकतपुर जिला कन्नौज सौरभ थाना, यही के रहने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले सर, और कुछ नहीं, हमें कॉलोनी मिले और कॉलोनी की जो हमने पैसे दिए ब्याज सहित हमें पैसे मिले। राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड भी नहीं बनाया, ना नरेगा कार्ड बनाया, ना हमें कुछ मिलता ही नहीं। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारे पास केवल 1 बीघा है और कुछ नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने प्रधान से बात करनी चाही तो प्रधान संजय कैमरे से बचकर भागा। प्रधान मीडिया से बच रहा है। महिला पिंकी ने बड़े दुख के साथ मुख्यमंत्री योगी जी से इंसाफ मांगा है। अब देखना यह होगा कि योगी जी की सरकार में रिश्वत लेने वाले प्रधान संजय पर कार्रवाई होती है या नहीं। पिताजी हमारे गुजर गए, अभी 2 साल हुए, एक्सीडेंट हो गया था, प्रधान ने ये भी न्याय नहीं किया कि हमारे ससुर खत्म हो गई थी, हमको न्याय भी मिलता, टक्कर मारती और हमको न्याय भी नहीं मिला बेचारे। ऐसे टक्कर किसने मारी थी? है कैसे ही ट्रक से हो गया था, वो गाड़ी इधर से आ रही थी, इधर से वो साइकिल से जा रहे थे, तो कुछ लोग आए ऐसे बड़े ही लोग गांव के, तो उन्हें उससे टक्कर हो गई, तो इन्होंने न्याय भी नहीं किया हमारे पिताजी ऐसे खटिया पे पड़े रहे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया कि वो मरने वाले हैं मर जाने दो। और जब मत प्रमाण पत्र बनवाया तो वो भी उसमें भी कोई न्याय नहीं किया, ये बोले कि इनको पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, बस छोड़ो ऑटो मर गए तो मर गए, कुछ भी कुछ मतलब उसने किया ही नहीं हमारे साथ, ना राशन देता है, ना माँ हमारी विधवा हो गई वो उनको भी पेंशन नहीं देता, हमारे भाई को देख लो कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे लिए कुछ करता ही नहीं, और पैसे भी ले लिए, हमारा काम भी नहीं किया, और पैसे जब मांगते हैं तो वो नहीं। आपसे पैसे उसने मांगे थे? जी, ये बोला कि हम आवास तुमको देंगे, हमें 20,000 रुपए दे दो, तो हम लोगों ने गरीब गुनी आदमी, तो हम लोगों ने एक एक पैसे जुटाए, चीज सामान दरी इधर उधर से उठाए ब्याज पे, तो हमने उसको पैसे दिए, और अब जब पैसे नहीं दे रहा है और ना आवास दे रहा है, अब तो प्रधानी जा रही है जब मांगे, तो फिर ये कहता है चुनाव हो जाने दो, तो साले से जूते से बात करेंगे हम, ब्राह्मण वो राठौर बताओ ऐसे बात करता है हमारा, तो जीना भी दुश्वार कर दिया उसने, बताओ क्या करें कहाँ जाएं।